हे गाइस, आज मैं आपको एक ऐसे हीरो की फ्लॉप मूवीज के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि हीरो इतना दमदार है कि उसकी फ्लॉप चली कैसे गई। उसकी पहली मूवी है चक्रम। चक्रम जिसमें कि मेन लीड रोल में हीरो हैं प्रभास, चार्मी कौर, असीन, प्रकाश राज, और इस मूवी के डायरेक्टर हैं कृष्ण बामसी। और ये मूवी जो रिलीज हुई थी वो हुई थी 25 मार्च सन 2005 में। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी है और 150 मिनट की मूवी है, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट की मूवी है। मज़ेदार मूवी है, बट ये फ्लॉप कैसे होगा ये पता नहीं चल पाया मुझे तो मूवी अच्छी लगी देखने में। और दूसरी मूवी की बात करें, दूसरी मूवी है अडावी रामुयू, जिसमें कि मेन लीड रोल में हीरो हैं प्रभास। ये मूवी फ्लॉप चली गई बुरे तरीके से, काफ़ी बुरे तरीके से फ्लॉप गई। बट ये मूवी फ्लॉप नहीं जानी चाहिए थी, फ्लॉप भी चली गई, इसमें कुछ था नहीं, मूवी में मजा नहीं था। और ये मूवी जो रिलीज हुई थी वो हुई थी 21 मई 2004 को। फ्लॉप चली गई तो चली गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम तो कौन से जोर पड़ रहा। और इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं बी गोपाल। और हम बात करें तीसरी मूवी है पोर्नल, जिसमें की कास्टिंग है प्रभास, त्रिषा, चार्मी कौर और राहुल देव। अच्छे खासे हीरो हैं, आपने देखे हैं उनकी बॉडी भी जबरदस्त है। इस मूवी के जो डायरेक्टर वो है प्रभु देवा। एक्शन मूवीज के अच्छे खासे डायरेक्टर हैं, बट ये उनकी मूवी फ्लॉप चली ही गई कैसे ना कैसे करके। और ये मूवी जो रिलीज हुई थी वो हुई थी 21 अप्रैल 2006 को, और ये 167 मिनट की मूवी है पूरी की पूरी। मतलब 167 मिनट बहुत होते हैं, यानी कि 2 घंटा 47 मिनट की मूवी। और हम बात करें चौथी मूवी है योगी, जो कि एक्शन मूवी है। मुझे मजा आया मूवी देखने में, पूरा मतलब मज़ेदार मूवी है। इस मूवी में जो कास्टिंग है वो है प्रभास, नयनतारा, कटा श्रीनिवास राव, प्रदीप रावत, अली। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं बीवी विनायक। अच्छे खासे डायरेक्टर हैं एक्शन मूवीज़ के, सभी मूवीज़ के अच्छे खासे डायरेक्टर हैं। मैंने इनकी बहुत सारी मूवीज़ देखी बीवी विनायक की। और ये मूवी जो रिलीज हुई वो ही 12 जनवरी 2007 को, और इसका रनिंग टाइम है, मूवी का जो ओवरऑल रनिंग टाइम है वो है 157 मिनट, यानी कि 2 घंटा 37 मिनट। और हम बात करें चौथी मूवी है मुन्ना, जो कि मुन्ना ही है, मतलब मज़ेदार मूवी है, मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी। इस मूवी का तोड़ नहीं था, पता नहीं फ्लॉप चली कैसे गई। इस मूवी में एक्शन ड्रामा सब कुछ था। इस मूवी की जो कास्टिंग है वो है प्रभास, लियाना डी क्रूज, राहुल देव और प्रकाश राज। इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो है बामसी पैडी पहली, हाँ यही है। और ये मूवी जो रिलीज हुई वो हुई 12 जनवरी 2007 को। इस मूवी का रनिंग टाइम है 174 मिनट, यानी कि 2 घंटा 54 मिनट या 3 घंटा की कर दे, 6 मिनट की छोड़ी। छठी मूवी है रेवल, जिसमें कि दमदार एक्शन सीन, सब कुछ बढ़िया, मुझे ऐसी मूवी लगी यार, इससे तकड़ी मूवी कोई बना ही नहीं सकता साउथ इंडस्ट्री में। जब भी टीवी पाती थी तहलका मचाती थी, मुझे बहुत ही तकड़ी लगती थी। जैसे कि जीप उठाकर चल दे, एक हाथ पे सवर्ण नहीं मार रहा है, दे देगा पकटक पटक कर प्रभास का शरीर भी तो तकड़ा है। और इस मूवी की जो कास्टिंग है वो है प्रभास, तमन्ना भाटिया, मुकेश ऋषि, दीक्षा सेठ इसमें दूसरी हीरोइन है, दो हीरोइन थी इसमें। इस मूवी के डायरेक्टर राघव लॉरेंस, जिन्होंने कांचना बनाई, मतलब अच्छे खासे डायरेक्टर बेशक काले सही। और ये मूवी जो रिलीज हुई वो हुई 28 सितंबर 2012 को। रिलीज होने के बाद मतलब टीवी पर तो इसने तहलका मचा दिया, बॉक्स ऑफिस पर नहीं मचा पाई। ये 176 मिनट की मूवी है, इसका रनिंग टाइम 176 मिनट है, यानी कि 2 घंटा 56 मिनट, 4 मिनट और कर देते 3 घंटा की हो जाती। और हम बात करें अगली मूवी की, सातवीं मूवी है, जो कि ब्लॉकबस्टर जानी चाहिए थी, यानी कि फाड़ जाने चाहिए थे। प्रभास के उस टाइम दिन चल रहे थे जिस टाइम ये फ्लॉप हुई, और फ्लॉप भी ऐसी बिल्कुल डिजास्टर से भी नीचे। इतनी तकड़ी फ्लॉप आज तक कोई मूवी नहीं हो पाई, ये सबसे तकड़ी फ्लॉप है, सबसे बुरी फ्लॉप है। मुझे देखने में थोड़ी बहुत ठीक ठाक लगी थी, बट ठीक ठाक नहीं थी जो फ्लॉप हो गई। इस मूवी में जो कास्टिंग है वो है प्रभास, पूजा हेगड़े, और इस मूवी को रिटर्न एंड डायरेक्ट किया है राधा कृष्ण कुमार ने रिटर्न भी किया है, डायरेक्ट भी किया है। इस मूवी का जो बजट है वो 300 से 350 करोड़, और जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है 150 से 215 करोड़ के समथिंग। मतलब बिल्कुल ऐसी फ्लॉप, 150-200 करोड़ से फ्लॉप, इतनी कौन होता है यार, इतनी की तो मूवी बन जा बहुत तकड़ी वाली। और इस मूवी की जो रनिंग टाइम है वो है 138 मिनट बहुत होती है, 2 घंटे से फालतू 2 घंटा 18 मिनट। ये मूवी रिलीज हुई 11 मार्च 2022 को। 11 मार्च 2022 को रिलीज होने के बाद थिएटर्स में चली, रुक गई। ये पैन इंडिया लेवल की मूवी है, बहुत ही तकड़ी मूवी है, मतलब ठीक ठाक मूवी है, रोमांस वाली मूवी है। ये एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। तो हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारे फ्लॉप मूवीज के बारे में बताना पसंद आया है, किसी भी हीरो की अगर आप फ्लॉप मूवी चाहे तो हमें कमेंट करके बताओ, और हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।